तिनसुखिया से लेकर के 7 जिलों में 1.5 लाख एकड़ में पाम प्लांटेशन का काम पतंजलि कर रहा है। इसके लिए 9 नर्सरियां तैयार हो गई हैं, 15 तैयार हो जाएंगे आने वाले 3-4 महीने में। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, इससे लगभग 1 लाख किसानों को फ़ायदा होगा और आने वाले 4-5 सालों में करीब 1,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किसानों के को इनकम मिलेगा। और इसमें जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है 40,000 रुपए पर हेक्टर, तो जो 4 साल पूरा फ्रूटिंग जब तक नहीं होता और उसके साथ दूसरा खेती बाड़ी कर सकते हैं, शाक सब्जी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा काम पाम प्लांटेशन ऑयल पाम में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिससे कि इंडोनेशिया मलेशिया पर हमारी निर्भरता कम हो, देश का इससे लाखों करोड़ रुपए बचेगा। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का हर साल देश को आर्थिक नुकसान होता है। और पाम प्लांटेशन के साथ हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में जो पतंजलि कर रहा है अपनी सेवाओं को और आगे बढ़ाएंगे। और गुवाहाटी में पतंजलि वेलनेस से लेकर के एजुकेशन के स्कूल से लेकर के बहुत सारी सेवाएं अब पतंजलि यहाँ असम में और आगे बढ़ाएगा। आज से 30 साल पहले सबसे पहली हमारी कर्म भूमि, सेवा भूमि असम रही है, इसको और गौरव प्रदान करेंगे और जितना हमसे बन पाएगा इस सेवा को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे पूज्य साध्वी देव स्वरूपम जी, भाई राकेश जी, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रहा है। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।